नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता जारी। भारत में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। एकल अभिभावक को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। नासा ने चांद पर पानी होने का किया दावा। बिहार में चुनावी सरगर्मियां अब हुई और तेज। दिल्ली में फिर वायु प्रदूषण बढ़ा। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे मोबाइल न्यूज 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार को शुरू हुई सेना के शीर्ष कमांडरों की 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आज भी जारी रहेगी। सूत्रों का कहना है कि आज कमांडर पूर्वी लद्दाख समेत चीन से लगती LAC पर अन्य संवेदनशील इलाकों में देश की तैयारियों की समग्र समीक्षा की जा सकती है। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अपने भारतीय समकक्षों एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों के साथ साथ प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि सरकारी पुरुष कर्मचारी जो एकल अभिभावक हैं, अब वे भी बाल देखभाल अवकाश के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि एकल पुरुष अभिभावक में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो अविवाहित या तलाकशुदा हैं और जिनके बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाने की उम्मीद हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के आसपास पराली पर निगरानी और इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों के समन्वय के लिए शीर्ष कोर्ट के सेवानिवृत्त जज मदन बी लोकुर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार के आग्रह पर अपने 16 अक्टूबर के फैसले पर रोक लगाई है। भारत में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। जहां भारत में अब तक कोरोना के 72 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,469 नए मामले सामने आने के साथ ही अब देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 69 लाख से अधिक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्चुअल कार्यवाही जारी रखने पर फैसला हाईकोर्ट खुद करे। CJI SA बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड और जस्टिस L नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि कोरोना के दौरान जनता को न्याय दिलाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई बेहद सफल रही और हम इस संबंध में अपने पूर्व के निर्देशों को जारी रखते हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार चुनाव में महागठबंधन को जिताने की अपील की है, जहां सोनिया ने करीब 5 मिनट का वीडियो जारी कर कहा है कि सत्ता के अहंकार में वर्तमान बिहार सरकार अपने रास्ते से भटक गई है और उनकी करनी और कथनी में भारी अंतर है। साथ ही सोनिया ने कहा कि जनता कांग्रेस के महागठबंधन के साथ है और यह बिहार का आह्वान है। सर्दी की आमद के साथ ही राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब होने लगी है, जहां दिल्ली के आसमान में चारों तरफ स्मोग की एक घनी चादर नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह AQI 347 दर्ज किया गया। केंद्र सरकार दिवाली से पहले तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। हालांकि इस बार सरकार सीधे शहरी रोजगार योजनाओं में पैसा लगाने के बजाय इनसे जुड़ी कंपनियों में निवेश कर सकती है। इस साल के अक्टूबर महीने का समापन भी फुल मून से हो रहा है, जहां 31 अक्टूबर शनिवार को दूसरी बार पूर्ण चंद्रमा नजर आएगा और ये ब्लू मून कहलाएगा। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की, जहां इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से पूछा कि उन्हें लोन के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ी। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शनिवार को इस योजना के तहत लगभग 3 लाख विक्रेताओं को ऋण वितरित किया है। हिमाचल में स्कूलों को खोलने और कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का फैसला आज हो सकता है। आपको बता दें कि आज सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मंथन होगा। राजस्थान सरकार राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाएगी। हाथरस मामले में CBI के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की SIT जांच में लगी हुई है, जहां इसी प्रकरण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला भी आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की जांच की निगरानी के साथ ही केस चलने के स्थान के साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दे सकता है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब बीजेपी में है और उनके पिता माधव राव सिंधिया में पर्याप्त सम्मान और अवसर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक लेख को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि सिंधिया से भाजपा में कैसे व्यवहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की रिक्त राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, जहां बीजेपी की 8 प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। IPL 2020 में लगातार 5वीं जीत हासिल करने के बाद किंग्स 11 पंजाब के कप्तान KL राहुल बेहद खुश हैं। कोलकाता पर जीत के बाद उन्होंने कहा कि टीम ने मैदान पर सकारात्मक क्रिकेट खेलने की कोशिश की है। व्यापारियों की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख की समय सीमा को बढ़ा दिया है, जहां सरकार ने 5 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए अब हर महीने की 24 तारीख तक GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तय की है। OnePlus ने N सीरीज के तहत अपने 2 नए स्मार्टफोन OnePlus Nord N10 5G और Nord N100 को लॉन्च कर दिया है, जहां इसमें से एक फोन में 5G का सपोर्ट दिया गया है, वहीं दूसरा फोन 4G सपोर्ट वाला है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी होने का दावा किया है। नासा के मुताबिक ये पानी चांद के उसी हिस्से में मौजूद है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है। तो ये थी मिडडे की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।